हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वेदर रहमान। आज हम देखेंगे मूव एंड एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। तो आपके पास जो है मूव इंस्ट्रक्शन जो है किस लिए यूज होती है? इट इज यूज ट्रांसफर डेटा बिटवीन रजिस्टर एंड ए memory location and it is used to copy a number directly into a register or memory location. Move instruction हमारे पास data transfer करने के लिए use होती है टू रजिस्टर्स में, रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में, या ये डायरेक्टली जो है कोई एक नंबर को मूव करने के लिए यूज होती है रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन पे। एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स जो है हमारे पास मूव का ये है कि हमारे पास यहाँ पे मूव आता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेस्टिनेशन आता है और यहाँ पे आपके पास सोर्स आता है। डेस्टिनेशन हमारा जो है ये हमारा यहाँ पे ऑपरेंड है, ऑपरेंड वन है। सोर्स जो है हमारा यहाँ पे ये ऑपरेंड टू। तो ऑपरेंड बेसिकली हमारा जो है जिसपे जो हम डेटा जो है स्टोर कर रहे होते हैं वो हमारा रजिस्टर्स हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं या हमारी रे हो सकती है। साइमल्टेनियसली आपके पास डेस्टिनेशन और सोर्स जो है मेमोरी लोकेशन नहीं हो सकते, बिकॉज 86 असेंबली लैंग्वेज में हम साइमल्टेनियसली मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमारे पास की हम एग्जांपल्स देखते हैं इमुलेटर 86 में और ये कैसे काम करती है मूव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर मैंने मूव करना मूव EX30। अब बाय डिफॉल्ट जो है मैं जो भी वैल्यू लिखता हूँ ये मेरे पास सोर्स की वैल्यू है, ये आपके पास डेस्टिनेशन में कॉपी होगी। अब मूव में जो है स्टूडेंट्स जो है मिसकंसेप्शन करते हैं, यहाँ पे ये है कि ये आपके पास है तो ये मूव, लेकिन ये आपके पास सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी करती है, नॉट मूव। तो आपके पास यहाँ पे ये सोर्स जो है आपका 30 है ये वैल्यू, और ये मेरे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है AX16 बिट्स का, जो कि अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू मूव कर रहा हूँ। मैंने फ्यू वीडियोज पहले आपके पास रूल्स बताए थे फॉर स्टोरिंग डेटा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू जो है मैं स्टोर कर रहा हूँ एक आपके पास रजिस्टर में। बाय डिफॉल्ट आपके पास डेसिमल वैल्यू होती है, लेकिन ये हमने मूव यहाँ पे की है डेसिमल वैल्यू, जो रजिस्टर्स में जब आप इसको इमुलेट करेंगे और आप देखेंगे रजिस्टर में वैल्यू क्या होगी वो आपके पास हेक्स यानी हेक्साडेसिमल में शो होती है। लेट मी इमुलेट एंड शो यू। इमुलेट सिंगल स्टेप पे आप क्लिक करें, ये देखें आपके पास यहाँ पे 1E जो है ये 30 की वैल्यू है। आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपके पास 30 वैल्यू पड़ी हुई है। बाय डिफॉल्ट ये भी याद रखेंगे जब भी आप कोई वैल्यू मूव करते हैं अगर वो 8 बिट की रेंज में आ रही है, यानी कि आपके पास जो भी आपने वैल्यू मूव किया वो 8 बिट जो है की रेंज में आ रही है तो वो आपके पास पहले लो में जाती है। इसलिए यहाँ पे पहले आपके पास क्यूमुलेटर लो में वैल्यू गई है। अगर आपके पास कोई लार्जर वैल्यू होती जो कि 8 बिट से ज़्यादा है तो आपके पास वो हाई रजिस्टर में जाती है। यहाँ पे आपका AH में वैल्यू वो मूव होती। अब देखिए हम आगे मजीद एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूव लिखता हूँ और BX यहाँ पे लिखता हूँ 30H, तो आप देखें यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे एक 16 बिट का रजिस्टर यूज किया, यहाँ पे भी मेरे पास था। अब ये देखें यहाँ पे 30H और ये 30, इन दोनों में डिफरेंस ये है ये आपके पास डेसिमल वैल्यू है और ये आपके पास हेक्स वैल्यू है। हेक्स जो आपके पास वैल्यू होती है उसके एंड में आपके पास सफिक्स H आता है। इसको इमुलेट करके आप चेक कर लें दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस है। सिंगल स्टेप करें, ये देखिए आपके पास 1E वैल्यू यहाँ पड़ी है, ये हमने अभी देखा। यहाँ पे आपके पास ये 30 वैल्यू डायरेक्टली मूव हुई है, हेक्साडेसिमल वैल्यू हमने डायरेक्टली मूव की है रजिस्टर में, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये लो रजिस्टर में गई है और यहाँ पे आपके पास वैल्यू 30 आ रही है। अब ये 30 वैल्यू किसकी है डेसिमल में वो हम देख सकते हैं, ये 48 है आपके पास की, ये बाइनरी शो हो रही है और ये ऑक्टल में वैल्यू इसी तरह शो हो रही है। मजीद एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस तरह मेरे पास अगर मैंने मूव किया AL में 127, तो मेरे पास AL में जो है पहले वैल्यू पड़ी हुई है 30, और जब मेरे पास
कंट्रोल इस लाइन पे आएगा और ये इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो आपके पास जो ये वाली AL में वैल्यू पड़ी होगी ये ओवरराइट हो जाएगी। लेट मी शो यू, इमुलेट सिंगल स्टेप, ये आपके पास 1E वैल्यू है सिंगल स्टेप आपकी। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ये येलो में हाईलाइटेड है, ये एग्जीक्यूट होने वाली है, और ये जो ब्लू लाइन में शो कर रहा है ये आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है। तो हम सिंगल स्टेप करेंगे, ये देखिए वैल्यू आपकी ओवरराइट हो गई। ये वैल्यू किसकी आप चेक कर सकते हैं, देखें 127 की हेक्सा डेसिमल में वैल्यू यहाँ पे मूव हुई है। मजीद जो है हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास अगर मैं मूव करता हूँ मूव AX, हमने हेक्सा डेसिमल के रूल देखे थे, आपके पास यहाँ पे मैं F1AC लिखता हूँ और मैं यहाँ पे H लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एरर, आपके पास यहाँ पे आपके पास जो है प्रीफिक्स जो है यहाँ पे कोई डेसिमल डिजिट आता है, आप अगर नहीं लिखेंगे तो ये एरर आएगा। इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल जो है यहाँ पे डिजिट से सॉरी स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे आपके पास डिजिट आना चाहिए। तो अब मैं इसको एक्यूमुलेट करता हूँ, तो ये असेंबली के रूल्स के मुताबिक इसकी वैल्यू एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे रैंडमली जो है रजिस्टर्स में वैल्यू आपको मूव करके दिखा रहा हूँ, तो आगे हम देखेंगे जब इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कौन सा रजिस्टर किस पर्पज के लिए यूज होता है। देखें ये आपके पास ये इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होनी है, ये आपके पास येलो हाईलाइटेड इधर है, तो आपके पास सिंगल स्टेप किया तो ये F1AC, तो आपके पास सबसे पहले लो में वैल्यू जाती है, आपके पास AC जो है लो में वैल्यू गई, देन आपके पास 1F जो है आपके पास ये मूव हुई एक्यूमुलेटर हाई, ये आपके पास जीरो जो है यहाँ पे यूज हो रहा है एज ए रूल यूज हो रहा है। देन हम आगे देखते हैं जिसमें मूव AX है, इसमें जो है मैं 123 एक नेगेटिव वैल्यू मूव कर देता हूँ, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू जो है यहाँ पे ये देखें इसका जो है हेक्सा डेसिमल में ये आपकी वैल्यू मूव होगी, ये फिलहाल यहाँ पे डेसिमल में है। तो सिंगल स्टेप करके आप देख लें यहाँ पे ये F1AC आ गया, और अब आपकी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, तो ये FF85 जो है आपके पास वैल्यू मूव हो गई, ये किसकी वैल्यू है ये देखें -123 की, ये आपके पास हेक्सा में वैल्यू है। देन अगेन हम आगे देखते हैं कि हमारे पास अगर हमने कोई बाइनरी मूव करनी हो, लाइक मैं करता हूँ कि मैंने बाइनरी मूव करनी है बी एच में, और आपके पास क्या है 0100 और ये आपके पास वैल्यू है, और हमने देखा था कि आपके पास जो बाइनरी नंबर्स हैं वो स्टार्ट होंगे एक 0 या 1 से, उसके बाद आपके पास बाइनरी नंबर्स आएंगे और ये एंड किस पे होंगे, बी पे होंगे। तो अगर हम जो है सफिक्स यानी कि बी एंड पे नहीं जो है लगाएंगे तो आपके पास जो है एरर आएगा, आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे बी जो है आप ओमिट कर दें तो आपके पास जो है एरर आ गया। हमने यहाँ पे जो है बी लाजमी लगाना है, ये रूल है असेंबली लैंग्वेज में, ये मैंने आपको रूल्स बताए थे, अगर आपने रूल नहीं देखे तो आप जो है वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने आपको स्टोर हाउ टू स्टोर डेटा इन असेंबली लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक डेसिमल में हेक्सा डेसिमल में स्ट्रिंग में करेक्टर में कैसे डेटा स्टोर करना है मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो आप सिंगल स्टेप करके आप ये वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं, F1AC आ गया और अब आपकी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो आप देखें ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू मूव हो गई, देन आपके पास अब ये बाइनरी मूव होनी है BH में, तो अभी BH में आपके पास वैल्यू 00 पड़ी हुई है, तो आपके पास ये 4C जो है वैल्यू बनती है, ये आप देख लें ये आपके पास 4 की वैल्यू है और ये आपके पास C की वैल्यू है, तो 4C वैल्यू आपके पास मूव हो गई। तो हम बाइनरी वैल्यू जो हमने मूव की है ये आपके पास यहाँ पे ये पड़ी हुई है, इस पर आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं ये आपके पास वैल्यू मूव हुई है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमने किसी एड्रेस पे वैल्यू रखवानी है तो आपके पास डेस्टिनेशन जो है आपका एड्रेस आ जाएगा, जिससे मैंने 1234H जो है एड्रेस पे मैंने एक वैल्यू मूव करानी है और वो वैल्यू जो है मेरे पास पड़ी हुई है BX में। तो हम यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं किसी एड्रेस पे जो है 1234H जो है एड्रेस आप पे उसकी उस पर जाके आपके पास BX की जो वैल्यू है वो आपके पास इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आपको वैल्यू शो नहीं होगी। अगर ये एड्रेस आपके पास आपको यहाँ पे दिख रहा है तो उस एड्रेस में जाके ये BX की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पे करेक्टर डेटा दिखना हो CX में, मैं यहाँ पे करता हूँ बी, तो मेरे पास यहाँ पे देखें मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो कंट्रोल क्यू जो है आपके पास ब्लॉक कमेंट के लिए यूज होता है, यहाँ पे मैंने एक कमेंट कर दिया, तो मैं इसको यहाँ पे इमुलेट करके देखता हूँ सिंगल स्टेप, तो आपके पास यहाँ पे क्या 42 जो है मूव हुआ है, हालांकि यहाँ मैंने लिखा बी,
अब ये जो b है ये आपके पास क्या है, ये इसकी हेक्स वैल्यू है b की, और डेसिमल में इसकी 66 वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ मूव dx और यहाँ मैं 66 लिखता हूँ, तो अब आप ये भी देख लें कि अगर हम यहाँ पे ये मैंने इमुलेट किया तो 42 मूव हो गई, और अगर मैंने डेसिमल में वैल्यू लिखी है तब भी यहाँ पे उसकी हेक्स वैल्यू ही मूव हुई है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मूव मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे मैंने बी एक्स और यहाँ पे मैंने ए और बी स्टोर कर दिया। तो मेरे पास अब ये जो है ए जो है इसकी आपके पास आस्की जो है ये बी एच में हाई में बी एच में मूव होगी, और ये जो बी है इसकी आस्की आपके पास बी एल में मूव होगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन सिंगल स्टेप, और ये आपके पास देखें यहाँ पे 41 जो है ये ए और ये 42 ये बी है, ये आप 65 66 ए बी, और ये आपके पास। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास जो वैल्यू है सी एच में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपने, या सी एल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपने मूव करनी है ए एल में। तो आपने यहाँ पे करना है किस में वैल्यू मूव करनी है, ए एल में वैल्यू मूव करनी है, तो ए एल आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। और मैंने कहाँ से वैल्यू मूव करनी है, किसकी वैल्यू मूव करनी है, सी एल की, तो सी एल आपका सोर्स हो जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं आप सिंगल स्टेप, तो आपके पास ये 42 आ गया। देन अगेन सिंगल स्टेप, तो आपके पास ये देखें यहाँ पे अब आपने क्या किया, सी एल में जो वैल्यू पड़ी हुई थी ये सी एल में ये 42 थी, ये आपने क्या मूव कर दी, ए एल में मूव कर दी, तो ये कॉपी हो गई। तो देखें आप यहाँ पे सी एल में वो वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये मिसकंसेप्शन थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी, यहाँ पे जो है डेटा आपका पड़ा हुआ है इवन कि अगर आपने उसको कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो मूव में अक्सर ये स्टूडेंट सोचते हैं सोर्स ये डेस्टिनेशन में मूव हो गया और सोर्स की वैल्यू आपके पास नहीं रहती, तो ये आपके पास गलत कंसेप्शन है। आगे आपके पास हम देखते हैं एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास ये आपके पास इट इज यूज टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन टू रजिस्टर्स एंड या और ए रजिस्टर यानी कि हमारे पास एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या यूज होती है, एक्सचेंज यानी कि स्वैप करने के लिए डेटा बिटवीन टू रजिस्टर्स और रजिस्टर एंड ए मेमोरी लोकेशन। इसका भी सिंटैक्स आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा एक्सचेंज, यहाँ पे हम लिखेंगे डेस्टिनेशन और यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स। तो आपका डेस्टिनेशन और जो सोर्स है वो आपके ऑपरेंट्स होंगे, और ये आपका एक्सचेंज जो है ये आपका ऑप कोड है यानी कि इसका ऑपरेशनल कोड होगा। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखें ये जो मैंने जितना भी यहाँ पे कोड किया हुआ है इसको आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करके, और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ लाइक मेरे पास यहाँ पे ये मूव इंस्ट्रक्शन एग्जांपल्स जो है मैंने यहाँ पे की हुई है, पहले से मैंने यहाँ पे एक स्टोर की हुई है मूव इंस्ट्रक्शन एग्जांपल्स, तो मेरे पास जो है यहाँ पे ये मैंने सेव कर लिया। आप यहाँ से न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जो है यहाँ पे इसका कोड कर सकते हैं। तो मैंने अगर लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपके पास राइट एंड असेंबली प्रोग्राम स्वैप टू नंबर्स, आपके पास टू नंबर्स हैं, एग्जांपल सपोज एल में आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 1010 और 0101, आपके पास यहाँ पे डीएल में वैल्यू पड़ी हुई है टेट्रा 1010, तो आपने ये बिफोर स्वैप जो है आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है बिफोर स्वैप आपके पास, और आफ्टर स्वैप जो है हमारे पास ईएल में वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी टेट्रा 1010, DL में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1010 0101, यानी कि ये आपके पास वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है बाइनरी में, ये इसकी हेक्स वैल्यू जो है आपको यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ यहाँ पे किस तरह कोड करना है। अब इसके लिए आप जो है
मूव इंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं। मैं पहले एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन से करता हूँ, फिर मैं आपको मूव इंस्ट्रक्शन से भी ये कोड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने मूव करनी है वैल्यू, तो ये मूव आपके पास ये वैल्यू मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये मेरे पास जो है ईयर में मैंने यहाँ पे कॉमा करके ये वैल्यू लिख दी। और आपको पता है मूव करते हुए एट द एंड यहाँ पे आपने बी लिखना, तो फिर आपने यहाँ पे दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिखी, ये कॉपी की, और यहाँ पे इसको मूव तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास आ गए, दो वैल्यूज आ गए। अब देखें ये आप इमुलेट करके चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये इसकी EL में वैल्यू A5 मूव हो गई और ये इसकी FA मूव हो गई। तो अब ये आपके पास हमने स्वैप करनी है, तो स्वैप करने के लिए आपके पास चेंज इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हैं। चेंज यहाँ पे मैं लिखूंगा ALBL, मेरे पास जो है यहाँ पे मैंने लिखा AL और BL, तो ये वैल्यूज आप देखें ये इनकी मूव हुई मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू, और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये वैल्यूज स्वैप हो गई। अब यही काम मैंने अगर करना हो मूव इंस्ट्रक्शन के साथ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। तो आप यहाँ पे वो भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले आप लाइक BL रजिस्टर में जो है, या ये वैल्यू जो है थर्ड रजिस्टर CL में आप स्टोर कर लें वैल्यू BL। ये जो है मैं मूव इंस्ट्रक्शन जो है अनकमेंट कर देता हूँ, इसी को यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास जो है मैंने वैल्यू जो है BL की सेव करवा ली CL रजिस्टर, थर्ड जो रजिस्टर मेरा है उसमें आपके पास यहाँ पे CL में वैल्यू क्या आ गई 111010। ये मेरे पास मैंने यहाँ पे CL रजिस्टर में BL की वैल्यू सेव करवा ली। मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने मूव करना है यहाँ पे EL रजिस्टर में BL रजिस्टर की वैल्यू। तो मेरे पास जो है यहाँ पे देखेंगे AL में आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, BL रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास 111010 ये आपके पास वैल्यू आ गई, और AL रजिस्टर में BL की आ गई। सॉरी यहाँ पे हमारे पास अब फिर हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपके पास BL में है ये किसकी आनी चाहिए, AL की आनी। तो सॉरी हमने यहाँ पे फिर AL की वैल्यू जो है हम स्टोर कर लेते हैं। तो AL की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 1010001। तो यहाँ पे हमारे पास फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे CL कर देंगे। तो हमने ये थर्ड रजिस्टर के थ्रू जो है BL में वैल्यू क्या हमने यहाँ पे रखवा दी CL की रखवा दी, जो कि 1010010। हम इसको आप देख लेते हैं इमुलेट करके। हमारे पास यहाँ पे सिंगल स्टेप E5 जो है हमारे पास ये वैल्यू मूव हुई, और फिर हमने EL की जो है वैल्यू हमने यहाँ पे CL में मूव करवा दी, और फिर जो है हमने यहाँ पे वैल्यू स्वैप करवा दी। तो हमारे पास ये थी जो है मूव इंस्ट्रक्शन और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। अब ये अगर हमने आपसे कहा जाए कि आपने ये दो नंबर्स को स्वैप करना है, राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स या वेरिएबल, तो आप जो है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं उसके लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।